हेलो एवरीवन, मैं हेमलता कुंपावत, पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। आज हम व्यवहारवाद के उदय के कारण एवं इसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि व्यवहारवाद के उदय के कई कारण हैं। इनमें से पहला है परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष। परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष 20वीं शताब्दी से ही इसकी जो पद्धतियां थी उसके परिणामों से निराशा उत्पन्न हुई। उनका विचार था कि परंपरागत पद्धतियों से राजनीतिक जीवन की वास्तविकता का चित्र हमारे सामने नहीं आ पा रहा है। इसी प्रकार से इस असंतोष के कई और कारण थे, जिसे राजनीति शास्त्र में देखा कि शासन के नीति निर्माण एवं उसके निर्धारण के स्तर पर राजनीतिज्ञों एवं राजनेताओं को तो सम्मानजनक स्थान दिया जाता था, किंतु राजविज्ञान के विद्वानों के ज्ञान कौशल एवं अनुभव की उपेक्षा की गई थी, जिससे उनमें निराशा उत्पन्न हुई। इसी प्रकार उन्होंने देखा कि हम इसके सैद्धांतिक पक्ष के अध्ययन पर ही बल देते हैं, जो पर्याप्त एवं विश्वसनीय नहीं है। इसी प्रकार राजनीति शास्त्रियों ने पाया कि राजनीतिक क्रिया प्रक्रिया तथा व्यवहार की संबद्धता को अनदेखा करने से राजनीतिक वास्तविकता का ज्ञान सीमित होना स्वाभाविक है। इसी प्रकार इनकी जो अध्ययन पद्धति थी वो मूलतः वर्णनात्मक शैली की थी, जो अपर्याप्त मानी गई। दार्शनिक, संस्थागत, औपचारिक, कानूनी एवं ऐतिहासिक पद्धतियों के योगदान की सीमाओं के परिणाम उत्पन्न राजनीति शास्त्र की शिथिलताओं के प्रति असंतोष होना स्वाभाविक था। इसी प्रकार अन्य विषयों जैसे प्राकृतिक विज्ञानों तथा सामाजिक शास्त्रों में विकसित प्रक्रिया के फलस्वरूप नवीनतम एवं विश्वसनीय पद्धतियों तकनीकों के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हुई, जबकि राजनीति शास्त्र ने इस क्षेत्र में भी अपने आप को पिछड़ा हुआ पाया। इस प्रकार हम देखते हैं कि परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष की भावना के कारण व्यवहारवाद का उदय हुआ। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर, अन्य सामाजिक विज्ञानों से प्रेरणा। अन्य सामाजिक विज्ञानों में अध्ययन के नवीन तरीकों और उपकरणों के प्रयोग को प्रोत्साहन मिला तो राजनीति शास्त्र का इससे अछूता रहना संभव नहीं था। रॉबर्ट डहल ने लिखा है कि व्यवहारवाद एक ऐसा आंदोलन है जिसका उद्देश्य राजनीतिक अध्ययन को आधुनिक मनोवैज्ञानिक समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में विकसित सिद्धांतों पद्धतियों खोजों दृष्टिकोणों के निकट संपर्क में लाना है। इसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध का भी प्रभाव पड़ा व्यवहारवाद के उदय के कारणों में। युद्धकालीन घटनाओं ने राजनीति शास्त्रियों के मन में ये बात बिठा दी कि राजनीतिक जीवन की जटिलताओं को पूरी तरह से समझने के लिए संस्थाओं और उसकी संरचनाओं के अध्ययन की सीमा से आगे बढ़कर उनके सीमाओं और संस्थाओं को में रहने वाले व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। इसी प्रकार नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग भी किया जाने लगा और यह माना गया कि हमें नवीन पद्धतियों को राजनीति विज्ञान के अध्ययन में स्थान देना ही पड़ेगा, जैसे परीक्षण उपकरण, सर्वेक्षण पद्धतियों, सांख्यिकी विश्लेषणों, गणितीय प्रारूपों, निर्देशन सर्वेक्षण जैसी पद्धतियों के बढ़ते हुए प्रयोग ने राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन को वस्तुनिष्ठ बनाकर व्यवहारवाद को विकसित किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यवहारवाद के उदय के बहुत से कारण थे। इसी प्रकार अब हम बात करते हैं व्यवहारवाद के स्वरूप, मूल मान्यताओं या फिर इसकी विशेषताओं की। व्यवहारवाद की मूल मान्यताएं, जैसा कि डेविड किर्कपैट्रिक ने बताया है, यह इस बात पर बल देता है कि राजनीतिक अध्ययन और शोध कार्य में विश्लेषण की मौलिक इकाई संस्थाएं न होकर व्यक्ति होना चाहिए। यह सामाजिक विज्ञानों की व्यवहारवादी विज्ञानों के रूप में देखता है। यह राजनीति विज्ञान की अन्य सामाजिक विज्ञान के साथ एकता पर बल देता है, अर्थात अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल देता है।
यह तथ्यों के पर्यवेक्षण, वर्गीकरण और माप के लिए अधिक परिशुद्ध प्रविधियों के विकास और उपयोग पर भी बल देता है और इस बात का प्रतिपादन करता है कि जहाँ तक संभव हो सांख्यिकी या परिमाणात्मक सूत्रीकरण का उपयोग किया जाना चाहिए। यह राजनीतिक विज्ञान के लक्ष्य को एक व्यवस्थित आनुभविक सिद्धांत के रूप में परिभाषित करता है। व्यवहारवाद का जनक डेविड ईस्टन को कहा जा सकता है। उसने अपने लेख द करेंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म में व्यवहारवाद के आधार एवं लक्ष्यों को निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया है। पहला है नियमन। नियमन से तात्पर्य व्यवहारवादी मानते हैं कि राजनीतिक व्यवहार में सामान्य तत्व ढूंढे जा सकते हैं। उन्हें राजनीतिक व्यवहार के सामान्यीकरणों या सिद्धांतों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और इनके आधार पर मानवीय व्यवहार की व्याख्या और भविष्य के लिए संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं। दूसरा है सत्यापन। मानवीय व्यवहार के अध्ययन में एकत्रित सामग्री को दोबारा जांचने और उसकी पुष्टि करने की क्रिया को सत्यापन कहते हैं। व्यवहारवादी अध्ययन की पद्धति की विशेषता रही है कि उसके अंतर्गत एकत्रित की गई सामग्री का सत्यापन किया जाता है। तीसरा है तकनीकी प्रयोग। आधार सामग्री प्राप्त करने एवं उनकी व्याख्या करने के साधनों को स्वयंसिद्ध नहीं माना जा सकता। ये समस्यात्मक होते हैं और स्वयं अध्ययनकर्ता द्वारा उन्हें सावधानी से शुद्ध एवं परीक्षित किए जाने की आवश्यकता है। मानवीय व्यवहार का पर्यवेक्षण करने और उसका विश्लेषण कर परिणामों को अंकित करने के लिए कठोर शुद्धिकरण के साधनों को अपनाया जाना चाहिए। परिशुद्धिकरण की प्रक्रिया ज्ञान को न केवल विकासशीलता प्रदान करती है वरन इसके आधार पर नए तथ्य भी प्राप्त किए जाते हैं और पुरानी सामग्री को अप्रमाणित ठहराया जाता है। फिर है परिमाणीकरण। उपलब्धियों के विवरण तथा आधार सामग्री को लेखबद्ध करने तथा उसमें सुस्पष्टता लाने के लिए मापन और परिमाणीकरण किया जाना चाहिए। मापन और परिमाणीकरण का यह कार्य उनके अपने लिए नहीं वरन अन्य प्रयोजनों के प्रकाश में किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है मूल्य निर्धारण एवं आदर्श निर्माण। सामान्यतः व्यवहारवादी मूल्यों के प्रति तटस्थ रहना चाहते हैं, फिर भी नैतिक मूल्यांकन के कुछ मूल्यों एवं आदर्शों का प्रतिपादन और प्रयोग आवश्यक हो जाता है। इस संबंध में अपनाए गए मूल्यों व आदर्शों को अध्ययनकर्ता के मूल्यों और आदर्शों से अलग रखा जाना चाहिए और सामान्य मूल्य व आदर्श अध्ययनकर्ताओं के मूल्य व आदर्शों से अप्रभावित रहने चाहिए, उनका उस पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। व्यवस्थीकरण। अनुसंधान आवश्यक रूप से क्रमबद्ध होना चाहिए, अर्थात सिद्धांत एवं अनुसंधान को संबद्ध और क्रमबद्ध ज्ञान के दो ऐसे भाग समझा जाना चाहिए जो परस्पर गुते हुए हों। सिद्धांत से अशिक्षित अनुसंधान निरर्थक हो सकता है और आंकड़ों से असमर्थित सिद्धांत निरर्थक रहेगा। वस्तुतः सिद्धांत और तथ्य एक दूसरे से अपृथक्नीय हैं। नेक्स्ट है विशुद्ध ज्ञान। ज्ञान का प्रयोग वैज्ञानिक उद्यम का भी उतना ही अंग है जितना कि सिद्धांतात्मक बोध का, लेकिन तार्किक रूप से राजनीतिक व्यवहार का बोध और व्याख्या पहले ही आते हैं और एक ऐसा आधार प्रदान करते हैं जिनके बल पर समाज की महत्वपूर्ण व्यवहारिक समस्याओं को सुलझाने की चेष्टा की जाती है। और लास्ट है समग्रता। व्यवहारवादियों की एक प्रमुख मान्यता यह है कि समस्त मानव व्यवहार एक ही पूर्ण इकाई है और उसका अध्ययन खंडों में नहीं होना चाहिए। व्यवहारवाद के अनुसार मानव व्यवहार में एक मूलभूत एकता पाई जाती है तथा इसी कारण विभिन्न समाज विज्ञान परस्पर अत्यंत समीप हैं। अतः राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन जीवन के अन्य पक्षों के संदर्भ में ही किया जाना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि अनुसंधान के परंपरागत और व्यवहारवादी ढंग के प्रमुख में बहुत ज़्यादा अंतर है और लगभग सभी व्यवहारवादी कम या अधिक रूप में उन्हें स्वीकार करते हैं। धन्यवाद।